आज आपको बताते हैं डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है और उसके वेरियस पार्ट क्या है। फर्स्ट वन इज द स्टेटर, दिस इज द स्टेटिंग पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ द डीसी मोटर, जिसको हम फील्ड के रूप में यूज करते हैं, जो कि फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये परमानेंट मैग्नेट भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके बाद आता है हमारे पास रोटर, जो कि रोटेटिंग पार्ट है, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं क्योंकि हमने इस पर वाइंडिंग कर रखी है। दिस इज द कम्यूटेटर पार्ट, दिस इज द कम्यूटेटर पार्ट जो कि डीसी को क्या कर रहा है, एसी में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पे हम इस डीसी को देंगे बाय यूजिंग दिस ब्रशेस। तो इन ब्रशेस से, ये दो ब्रशेस होते हैं मेरे कार्बन ब्रशेस, जो कि इस डीसी को हम सप्लाई देंगे आउटर डीसी सप्लाई से। सो दिस इज जस्ट द बेसिक पार्ट्स ऑफ द डीसी मोटर।